उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता। उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता। वसीम बरेलवी साहब का ये कलाम, उन्हीं की ये गज़ल, अभी अभी जो आपने छोटा सा टीज़र जिसका देखा, जो मेरी कॉम्पोजिशन है, मैंने उसको गाया है और कोशिश की है कि वसीम साहब के शब्दों के साथ जस्टिस कर सकूँ, तो एक छोटी सी गज़ल जो है उसकी रचना की है। ये वही गज़ल है जो हमने दिसंबर में रिकॉर्ड की थी, आप सभी ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखे थे उसके, और एक तीन गज़लें उस दिन रिकॉर्ड की थी, जिनमें से कि दो ऑलरेडी हम रिलीज़ कर चुके हैं। एक सिर्फ तेरा नाम हिमाद्री व्यास ने गाई, और एक अभी अभी आपने कुछ दिनों पहले सुनी इरफान सत्तार साहब की, ओशीन ने जो गाई ये खबर है, और एक ये है जो 15 तारीख को आने वाली है, 15 मई को रिलीज़ होने वाली है, जिसका टाइटल है उदास एक मुझी को। तो अभी अभी आपने जो छोटा सा टीज़र सुना, तो मैं उसके बारे में और तो क्या डिटेल दूँ, सारी चीज़ें मैं पिछले टीज़र के जब मैंने रिलीज़ किया था तब मैंने बताया ही था कि कैसे हमारे वो वीडियोस डिलीट हो गए थे, तो उसके सिर्फ ऑडियो वर्जन्स अवेलेबल हैं जिनमें हमने थोड़ा सा थोड़ा पॉलिशिंग करी है, थोड़ा ऐडअप किया है, चीज़ें ऐड करी हैं, सिंथ ऐड किया है, पियानो ऐड किया है, जो कि मेरे ही फ्रेंड वंश भास्कर सिंह ने बजाया है, और उसी ने इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग भी करी है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। और मेरा इश्क तू, जैसा कि आपने सुना था, वो भी वंश भास्कर सिंह ने ही उसका पूरा ट्रैक तैयार किया था, मिक्स मास्टर किया था। तो हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं, एक गज़ल आप सभी के सामने लाए हैं जो जल्द आप ही के सामने आएगी। मैं आपको वसीम साहब के बारे में थोड़ा बताऊँ, तो ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मेरा क्या, ये उन्हीं की किताब है जिसमें मुझे ये गज़ल मिली, उदास एक मुझी को। तो राग जोग में मैंने इसकी कंपोजिशन करी है, थोड़ी मिश्र है, आगे जाके मिश्र हो जाएगी शेरों में, लेकिन जो इसका मेन जो तर्ज है वो जोग पर ही है। तो ये किताब आप ख़रीद सकते हैं अमेज़न से, मैंने भी वहीं से मंगाई है, ये बहुत बेहतरीन किताब है, और रेख्ता एक वेबसाइट है जहाँ से मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ गज़लों को, तो वहीं मैंने वसीम साहब की काफ़ी गज़लों को पढ़ा है और उनकी बहुत गज़लें गाई हैं। अगर वसीम साहब के दो तीन शेर सुनाऊँ तो बहुत पॉपुलर शायर हैं, मैं तो क्या ही तारुफ कराऊँगा उनका आपसे, मगर एक है कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा, है ना। ऐसी बहुत ही उम्दा गज़लें उन्होंने लिखी हैं, वो ये गज़ल मैंने भी गाई है, कोशिश करी है इसको अपनी अंदाज़ में पेश करने की। ऐसे ही एक है कि निगाहों में कभी कोई दूसरा चेहरा नहीं आया, भरोसा ही कुछ ऐसा था तेरे लौट आने का, है ना। ऐसी काफ़ी गज़लें उन्होंने लिखी हैं। तो आज मैं आपको इस गज़ल के, क्योंकि ये छोटी सी गज़ल है, इसमें चार ही शेर हैं और जिसमें से तीन तो मैंने गा दिए हैं उसमें, तो एक शेर है जो मैंने नहीं गाया है, तो वो मैं आपको अभी गाकर थोड़ा सा उसका जिक्र सुनाता हूँ, तो आप मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। पुराने रिश्तों की बेगरजियां नहीं समझेगा, पुराने रिश्तों की बेगरजियां नहीं समझेगा, वो अपने ओहदे से जब तक उतर नहीं जाता। ओहदा यानी वो पद, तो एक ऐसा ही इसका छोटा सा शेर। तो देखिएगा, जल्द आने वाली है मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे, आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सभी म्यूजिक लवर्स के साथ, एंड आई होप और भी मैं नए नए प्रोजेक्ट्स लाता रहूँ इसी तरह। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।